वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अहम मुलाकात की, जिसमें सूबे से मुतालिक अमूर और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार का कहना है कि इमरान खान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत है। अपोजिशन ज़ाती मफादात के तहफ्फुज़ के लिए हाथ पांव मार रही है। उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन की तनकीद के जवाब में कहा है कि दो बरस में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी शफाफ हुकूमत आज तक नहीं आई। करप्ट माफिया की लूटमार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। सियासत को कारोबार बनाने वालों के दोगले चेहरे अवाम के सामने आश्कार हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मजीद कहा कि करप्शन के बोझ तले दबी अपोजिशन को अवाम ने पहले भी मुस्तरद किया और आइंदा भी करेंगे। आज भी अपोजिशन की अपनी सफों के अंदर भरपूर इंतशार और अफरा तफरी है। दो साल में फलाहे आमा के वो काम किए हैं जो शो मारने वाले 20 बरस भी ना कर सके। लूटमार के रास्ते बंद कर दिए हैं। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि अपोजिशन की मनफी सियासत तेजी से खत्म हो रही है। हमारी हुकूमत ने वसाइल का रुख आवाम की तरफ मोड़ा है। अपोजिशन के पास बातें करने के सिवा कोई एजेंडा ही नहीं। अब करप्शन और लूटमार का दौर वापस नहीं आएगा। मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा छोड़ने वालों के लिए पाकिस्तान की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं।